पूरे देश भर में एक नारा बहुत तेजी से गूंज रहा है और वो नारा ये कि 1 लाख रुपए दो वरना हम नहीं छोड़ेंगे। देश के कोने कोने से, हर स्टेट से ये नारा बहुत तेजी से महिलाएं बुलंद कर रही हैं और महिलाओं का ये कहना है कि 1 लाख रुपए उन्हें चाहिए वरना वो नहीं छोड़ेंगी। इस नारे को महिलाएं इसलिए बुलंद कर रही हैं क्योंकि कांग्रेस ने कहा था चुनाव में, राहुल गांधी ने चुनाव में कहा था कि वो 1 लाख रुपए देंगे। बकायदा उन्होंने घोषणा पत्र में इसे शामिल किया था और उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देंगे, प्रति माह उन्हें 8,500 रुपए मिलेगा, यानी महिलाओं के खाते में मिलेगा। महिलाएं राहुल गांधी के झांसे में आ गई, कांग्रेस के झांसे में आ गई और महिलाएं चुनाव समाप्त होने के बाद अब कांग्रेस के कार्यालयों पर पहुंच रही हैं, वहां पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, वहां पर हंगामा कर रही हैं, वहां पर लंबी लंबी कतारें लाइनें लगा रही हैं और कांग्रेस कार्यालय पर जाकर वो कह रही हैं कि उन्हें 1 लाख रुपए हर हाल में चाहिए। महिलाओं की भी गलती नहीं है क्योंकि महिलाओं को बाकायदा फार्म बांटे गए और फार्म पर उनका पूरा डिटेल दिया गया है। जैसे एक किसी योजना का लाभ मिलता है उस तरह से योजना के लाभ के बारे में बताया गया और बताने के बाद फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कैसे उन्हें पैसा मिलेगा, ये सब उन्हें जानकारी दी गई है। इसलिए महिलाएं पैसे लेने के लिए एकदम से परेशान हैं, बेचैन हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत करी, फॉर्म भरा, उन्होंने पूरी जानकारी जुटाई, डिटेल्स लिए और अब चुनाव समाप्त होने के बाद भी उन्हें पैसा नहीं मिल रहा। राहुल गांधी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, राहुल गांधी इस मामले पर कोई जवाब नहीं देते। राहुल गांधी चुनाव से पहले जब चुनाव हो रहा था तब पूरे देश में भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे कि भाजपा की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी तो संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह का भ्रम राहुल गांधी ने पूरे देश भर में फैलाया। चुनाव समाप्त हो गया, परिणाम आ गया, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ ले लिए, इसके बावजूद राहुल गांधी अभी भी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी अभी भी कह रहे हैं कि संविधान को समाप्त नहीं होने देंगे, यानी उनका कहना है, उनका जो आरोप है कि अभी भी एनडीए, अभी भी भाजपा संविधान को समाप्त कर देगी, मोदी जी संविधान को समाप्त कर देंगे। इस तरह का भ्रम राहुल गांधी अभी भी फैलाने का काम कर रहे हैं। वहीं पर लोकतंत्र की हत्या की बात, आरक्षण समाप्त करने की भी बात, उसको भी राहुल गांधी उठाने का काम कर रहे हैं। यानी इतना बड़ा भ्रम पूरे देश भर में राहुल गांधी चुनाव से पहले फैला चुके हैं, चुनाव के बाद भी फैलाने का काम कर रहे हैं और उसके बावजूद ना भाजपा उन्हें रोकने का काम कर रही है, ना जांच एजेंसियां उन्हें रोकने का काम कर रही हैं। वहीं पर दूसरी तरफ राहुल गांधी इस पर जवाब नहीं देते जो 1 लाख रुपए उन्होंने महिलाओं को देने का वायदा किया था, जो भरोसा दिलाया था कि वो 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे चुनाव जीतने के बाद। तमाम जगहों पर यह भी कहा गया था कि बस आप कांग्रेस को वोट दे दो बस आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, यानी उन्हें भरोसा दिया गया था कि कांग्रेस चुनाव जीतती है या नहीं जीतती है, लेकिन आप फार्म भर दो और जाकर कांग्रेस को वोट दे दो, 1 लाख रुपए आपको प्रतिवर्ष मिलेंगे। इतना बड़ा भ्रामक भ्रम राहुल गांधी ने देश भर में फैलाया लेकिन इसकी चर्चा अभी तक नहीं हो रही है। राहुल गांधी चुनाव के बाद भी बार बार यही कह रहे हैं कि भाजपा संविधान को समाप्त कर देगी, भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर देगी, लेकिन राहुल गांधी ये कहीं जवाब नहीं दे रहे हैं कि 1 लाख रुपए जो महिलाएं मांग रही हैं, कांग्रेस कार्यालयों पर जो आवाज बुलंद कर रही हैं, धरना प्रदर्शन देने के लिए तैयार हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, वो कहां से देंगे, इसका जवाब राहुल गांधी नहीं दे रहे हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं देखी जा रही, इससे साफ पता चल रहा है कि एक प्लान के तहत, एक षड्यंत्र के तहत मुस्लिम महिलाओं का, गरीब बस्ती की महिलाओं का माइंड वॉश किया गया और उन्हें पूरी तरह से बताया गया कि सिर्फ आप कांग्रेस को वोट देना आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब देखिए देश के सामने कितना बड़ा भ्रम फैलाया गया, कितना बड़ा झूठ फैलाया गया। कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दे ही नहीं सकती, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया नहीं है, आर्थिक व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया नहीं हो सकती कि वो घर बैठे महिलाओं को बिना कामकाज के 1 लाख रुपए दे। लेकिन राहुल गांधी ने ये भ्रम फैलाया और इस भ्रम पर महिलाओं ने विश्वास भी कर लिया। ना भाजपा ने इस भ्रम को तोड़ने का काम किया, ना और जांच एजेंसियों ने इस भ्रम को
समाप्त करने का काम किया कि ये झूठा एक षड्यंत्र है, एक प्लान है, इसे गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। तो राहुल गांधी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में महिलाएं बार बार चीख चीख के कह रही कि उन्हें 1 लाख रुपए दो, नहीं तो वो तोड़फोड़ शुरू कर देंगी, वो धरना प्रदर्शन करेंगी, वो किसी भी तरह से मानेंगी नहीं। दरअसल महिलाओं को इतना बड़ा भ्रम दिया गया कि महिलाएं समझ नहीं पाई कि उन्हें राशन मिल रहा है फ्री में, उन्हें आवास मिल रहा है फ्री में, उन्हें उज्ज्वला गैस मिल रही है, उन्हें तमाम ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं जो इंडिया की गवर्नमेंट ने पिछले वर्षों में दिए हैं। वो सारी चीजों को भूलकर वो सिर्फ और सिर्फ 8,500 रुपए प्रति महीने चाह रही हैं, जो कांग्रेस ने भ्रम फैलाकर, षड्यंत्र फैलाकर महिलाओं को भरोसा देने का काम किया है। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को भी समझना चाहिए कि 1 लाख रुपए कोई भी सरकार दे नहीं सकती, किसी भी स्थिति में दे नहीं सकती। राहुल गांधी भी दे नहीं सकते हैं। राहुल गांधी के पास ना इतना बड़ा खजाना है, ना वो सरकार बनने के बाद उनकी इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था होती कि वो महिलाओं को 1 लाख रुपए दे सकते थे। तो ऐसी स्थिति में महिलाएं बार बार चीख रही हैं, कह रही हैं कि 1 लाख रुपए दो वरना नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें कांग्रेस को, राहुल गांधी को कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि आने वाले दिनों में देश भर के कांग्रेस के कार्यालयों पर हंगामा हो सकता है, धरना प्रदर्शन हो सकता है, महिलाएं सड़कों पर उतरकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चाबंदी भी कर सकती हैं।